ये ना आप कहाँ बोले? अरे भाभी जी, आप अखबार के हर पन्ने पे छाई हुई हैं, टीवी के हर चैनल पे छाई हुई हैं, कानपुर के हर शख्स की जुबान पर बस एक ही नाम है, अंगूरी भाभी। हाय दिया। अब ऐसे ना ई में हम कछु नाए किए हैं, ई तो सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भगवान का दुआ है। जरूर सही कहा आपने भाभी जी, इन दिस केस तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है और भगवान की दुआ है, और ना आप जैसी बौड़ा औरत के बस का कहाँ है। आप बोले भाभी जी, आपने कमाल पकड़वाया मित्तल को, रंगे हाथों पकड़वा दिया आपने उसको। आपको पता है ये जो आइडिया है ना तिकड़म, ये हमें भिड़ाए रहे। झूठ बोल रही है। बोले भाभी जी, कमाल का आइडिया, इट्स अ मिलियन डॉलर आइडिया, कीप इट अप, गुड वर्क। और क्या प्लान है आगे का आपका? अपिलान पिलान तो यही है और बहुत ही नेक है। कहा है कि हम ये जो कानपुर शहर है ना, इसको भ्रष्टाचार और रिश्वत खोर लोगों से मुक्त कर देना चाहते हैं पूरी तरह से। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि हम अपने ही मकसद में कामयाब हो जाएं। श्योर, व्हाई नॉट। चलता हूँ अभी। कीप योर हंट अलाइव। हमको भी काम पर जाना है। हाय दिया, सारा आशीर्वाद आप डंडा भैया पे ही उड़ेल देंगे, हमरे लिए ना ही रखेंगे कछु। हम आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, आपके लिए तो प्यार है। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, देखिए क्या संयोग है कि हमारे बच्चे हमें और आपको संधि और समधन बनाने में तुले हुए हैं। बाय गॉड। हाय दिया, संधि समधन आपको छेड़ने का लाइसेंस मिल जाएगा। आप क्या बोले? अरे भाभी जी, एक काम करिए, आप और बंबू जो है भैया डंडा तिवारी, डंडा तिवारी जो है हमारे घर पे आइए लंच पे। क्या बात भाई, कौन हमें कहाँ ले जा रहा है? भाई तिवारी जी, मैं चाहता हूँ कि आप भाभी जी और बम्बू, मतलब ये अपना ये डंडा डंडा, ये हमारे घर पे आए खाने पे, लंच पे। किस खुशी में? अरे भाई डंडा, तुमने बताया नहीं भैया को? अरे देखिए, ऐसा है कि है कि हम जो मीटिंग में बहुत व्यस्त हैं, तो मेरे ख्याल से हम आ नहीं पाएंगे। देखो भाभी जी कैसे नखरे पेल रहे हैं, देखा आपने? ये कहा है लड्डू के भैया, हाँ जब नया रिश्ता, सब प्यार करने वाले लोग आपस में गुड़ गोबर हो रहा है तो फिर। भाभी जी गुड़ गोबर तो ये है, अब मतलब मैं कह रहा हूँ वो आप कहना चाह रही हैं गेट टुगेदर। सही पकड़े हैं आपको, हमारा कसम है आपको चलना है। अरे हम नहीं आ सकते भैया, हम अम्मा जी को कॉल करेंगे। आ जाएंगे। ठीक है भाभी जी, आज से होता लंच, अभी आइएगा। अरे तुम भी आ जाओ भैया। भैया डंडा भैया, मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, क्या बना रही हैं भाभी जी? हलवा बना रहे हैं। अच्छा, हलवा हलवा बना रहा है। क्या बोले भाभी जी? जब बोलना था तब तो आप कुछ बोली नहीं, यू डिड नॉट अटर अ वर्ड। क्या बोल रहे हैं? हमरी कछु समझ में ना आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ गिल्ली और डंडे की। वो तो हम बचपन में बहुत खेलते थे। मैं गिल्ली अपनी बहन और डंडा तिवारी जी के भाई की बात कर रहा हूँ, उनके रिश्ते की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए तिवारी जी ने साफ साफ मना कर दिया, और उस वक्त आप एक वर्ड नहीं बोली, यू डिडंट से अ वर्ड। ऐसा काहे बोल रहे हैं? हम बोले तो थे उस टाइम। माफ कीजिएगा भाभी जी, ऐसे बोलना भी बोलना होता है। तो क्या करे, लड्डू के भैया के कनपट्टी पे पिस्तौल रख के बोले का? Sure, do it. If it's possible, yes, why not? क्या भाभी जी, खिल्ली डंडा प्यार करते हैं आपस में, they are in love. वो तो है, वो तो हम देखे रहे उन दोनों को। तो फिर बैल के गले में घंटा बांध दीजिए ना। आ क्या बोले भाभी जी, तिवारी जी से बात कीजिए, उनसे हमारी सिफारिश कीजिए। देखिए भरभूति जी, प्रेम प्यार मोहब्बत के बारे में हम का सोचते हैं ना कि किसी से कछु बात करने का जरूरत नहीं है। मियाँ बीबी राजी तो का करेंगे काका जी। It's not काका जी, it's काजी। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन का है ना कि हमारे गांव में काका जी ही बोलते हैं। अभी जी काका जी हो या काजी हो, अगर वो मोहब्बत का दुश्मन है तो समाज का दुश्मन है। हाय दिया, हमारे लड्डू के भैया ऐसे बिल्कुल भी ना आए हैं। तो कैसे हैं फिर? वो तो कहा है ना कि अब आपसे ना उनका रिश्ता कुछ ज्यादा ही खास है, तो आपको परेशान करने में उनको बहुत मजा आता है। Are you trying to say? और वैसे आप भी कछु कम ना ही हैं, हाँ
जब भी मौका मिलता है आप उनको बहुत परेशान करते हैं। भाभी जी, इस वक्त मैं एक बहन के मजबूर भाई की हैसियत से आया हूँ, जो चाहता है कि उसकी बहन का रिश्ता तिवारी जी के भाई डंडा से हो जाए। बस बस, आप हमको बहुत इमोशनल कर रहे हैं। वो झोली ना आई फैलाइए, एक तो काम कीजिए। कहिए ना भाभी जी, हुकुम कीजिए आपसे। कहा है ना, लड्डू के भैया के लिए एक तो अच्छा सा इंग्लिश लेकर उनको पिलाइए, उनको और पिलाइए, और तब तक पिलाइए जब तक कि वो नशे में धुत ना हो जाए। गॉट इट भाभी जी, अभी कहना चाह रहे हैं कि उनको पिला पिला के धुत कर दूं और उनकी गठरी बांध कर कंधे नाले में फेंकाऊं, ठीक है? ए भाई, ए भाई, बहुत भूखा हूं भाई, अरे कुछ खिला दो भाई, अरे रुकी सुकी चलेगी, अरे पिज्जा बर्गर भी चलेगा, अरे भाई को है के भाई। सुने तो आपके लिए एप्पल ले आए। भाभी जी, ये एप्पल आप अपने हाथों से खिला दीजिए। वो खिला तो देंगे, लेकिन उसके पहले आपको हमारे साथ गाना गाना पड़ेगा। भाभी जी, पेट एकदम खाली है, आवाज नहीं निकलेगी मेरी, मैं गाना नहीं गा पाऊंगा। भाभी जी ठीक बा, तो एप्पल भूल जाइए, हम ना ही खिलाएंगे। भाभी जी, मैं गाऊंगा गाना गाऊंगा। और भाभी जी, क्या खरीदारी चल रही है? आइए आइए भरभूति जी, देख रहे हैं ना, लहंगों का खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, दिखाओ जरा कौन कौन से लहंगे तुम्हारे पास। ये देखिए, ये लहंगा उमराव जान, ये देखिए पाकीजा, ये देखिए छिड्डन भाई, और ये देखिए ये अपना गुलाबू। ये तो लहंगे के नाम बता रहा मुझे या नचनियों के नाम बता रहा है? हमारे लहंगों के नाम नचनियों के नाम पे ही हैं। और देखिए भैया, हमको ऐसा कौन लहंगा बताइए जो नचनिया के नाम पर ना ही हो। भाभी जी ठीक कह रही हैं। देखिए देखिए, ऐसा कोई लहंगा बताओ जो 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 डिसेंट हो, जिसका नाम डिसेंट हो। एक सेकंड, अभी देखिए, ये देखिए भाभी जी, ये है लहंगा मासूम। ये है लहंगा, भाभी जी एकदम फिट बैठेगा। भाभी जी, हाय दिया, ये तो हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है, का दाम लगाएंगे इसका? ज्यादा नहीं भाभी जी, बस 20,000। और भाभी जी नमस्ते, आपको कुछ नहीं समझते। नमस्ते नमस्ते, कैसन बा? भाभी जी मिठाई खाओ आप तो। हाय दिया, इका खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। नहीं भाभी जी, मिठाई मत खाइएगा आप, प्लीज। जूस भी भैया, आप भाभी जी को मिठाई खाने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि लास्ट टाइम तूने मुझे मिठाई खिलाई थी और खाते मेरी तबीयत खराब हो गई थी। बाद में मालूम पड़ा कि वो मिठाई 8 महीने पुरानी थी। भाभी जी, डोंट यू टच दैट मिठाई, आप बहुत डेलिकेट। ओ विभूति सेठ, घंटा भर पहले घंटे वाले की दुकान से ताजी ताजी मिठाई लेकर आया हूँ मैं, तुम्हारी बात अलग है। हम भाभी जी को पुरानी मिठाई थोड़ी ना खिलाएंगे, आप खाओ भाभी जी। ये देखो खा लिए, अब ये तो बताओ कि काहे मिठाई बांट रहे हैं। बता दे बता। एक्चुअली भाभी जी, मैंने एक जूस सेंटर खोलो है। अबे जूस नहीं होता, अबे जूस होता है, जूस जूस सेंटर। जूस। क्या बात है, आपको बहुत बहुत कॉकरोच लहसुन। भाभी जी कंग्रेचुलेशन, सही पकड़े हैं, और बहुत आशीर्वाद। भाभी जी आशीर्वाद इधर तक को भी दे दो, आपके टिल्लू ने कबाड़ी की दुकान खोली है। क्या बात कर रहे चिल्लू भैया, वाह, आपके लिए भी बहुत सारा बेस्ट फिशेस। भाभी जी बेस्ट विशेस, सही पकड़े हैं, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी मैं क्या कह रहा था, कभी टाइम मिले ना तो हमारी दुकान की तरफ चक्कर मार जाइयो। जरूर। हाँ, काफी पुराना सामान रखे घर में ये है। अच्छा बाबूजी, क्या क्या सामान है आपके यहाँ? तिवारी
हाँ कहा बोले? इनके यहाँ किवाड़ी है ना, किवाड़ी, वो जो किवाड़ है वो काफी पुरानी हो गई। हाँ दिया वो अम्मा जी दी है गिफ्ट में, हम ना ही देंगे उनको। चिता क्या किसी से लगेगी अम्मा जी की। भाभी जी आप भी हमारी दुकान पे आ जाइए, वो कहा है कि आपके कदम पड़ेंगे ना तो हमारी दुकान को कल्याण है जाओगे। जरूर आएंगे। हाँ तो भाभी जी आप बताइए फिर कौन कौन से बांधे, ये वाला ये वाला बताइए। एक ये पैक कर दे, एक ये पैक कर दे और एक ये वाला पैक कर दे। ठीक है पैसे आप देंगे क्या भाभी जी? मुंह मीठा कीजिएगा। हाँ खा रहे हम। खाइए मुंह मीठा करते रहिए। वो बेचारे कुछ काम धंधा नहीं करते ना, नल्ले हैं।